सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया। अरविंद केजरीवाल पहले से ही ईडी के मुकदमे में तिहाड़ जेल में है। वहीं अब केजरीवाल की गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार की साजिश बताया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के मामले में सुनवाई होनी है और आज संकट एक सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती। जमानत मिलने से पहले ही साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई के द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया दिया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि सरकार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बड़ी साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ सीबीआई ने झूठा मुकदमा गढ़ा है। जुर्म अत्याचार जाति की इंतहा हो गई है। विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि ऐसे समय में जब सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलने की पूरी संभावना है, उससे पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने सीबीआई के अधिकारियों के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रची है और यह साजिश है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई का फर्जी मुकदमा तैयार करके उनको गिरफ्तार करने की। पूरा देश देख रहा है बीजेपी की जाति, पूरा देश देख रहा है केंद्र सरकार का जुर्म, पूरा देश देख रहा है उनका अत्याचार और अन्याय, और पूरा देश केजरीवाल के साथ खड़ा होगा इस अन्याय, इस अत्याचार, इस झूठे मुकदमे के खिलाफ। कैसे न्याय मिलेगा इस देश के अंदर अगर ऐसे ही झूठे मुकदमे लगा लगा के केजरीवाल को जेल में रखने के उद्देश्य से, उनकी राजनीति को खत्म करने के उद्देश्य से, आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने के उद्देश्य से ये कार्रवाइयां की जाएंगी। आइए हम सब मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाएं। जय हिंद।